तो फाइनली हमारी बस लग्जरियस वीआईपी, ये है वीआईपी बस, हमारी बस आ चुकी है और हम सफ़र करने वाले बैंकॉक टू फुकेत। आई थिंक 800 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र है और एकदम वीआईपी लग्जरियस बस है यार, मतलब मैंने कभी बैठा भी नहीं हूँ, आपको दिखा दूँ। फाइनली मैं आ चुका हूँ फुकेत के लिए बस स्टेशन। आई थिंक ये बस आने वाली है और लास्ट बस, आई थिंक 6 बजे शाम की लास्ट बस है, ऐसे कुछ बस आएगी। ठीक है, तो भाई बस तो बहुत लग्जरियस है। ठीक है, और मैं रुक जाओ, क्या पता क्या बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। भाई तो 1100-1200 रुपये की टिकट पड़ी है मुझे और 800-850 किलोमीटर का राउंडिंग में समथिंग है, ऊपर नीचे कुछ किलोमीटर होगा, और 6 बजे की लास्ट बस है, अब देखते कब पहुंचाते क्या है। मेरी ये लास्ट वाली है, ये वाली मतलब वो साइड की है, ये साइड वाली टिकट है। ठीक है, मेरा सीट है। तो लास्ट अगर कोई भी फुकेत वगैरह जाना चाहता है शाम की, तो 6 बजे की लास्ट है। ठीक है, 6 बजे की लास्ट है तो वो सही रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में अगर पहुंचने का टाइम मेरे को पता नहीं यार, अभी क्या मैंने निकाला भी नहीं टाइम 6, तो ये मेरे जो रात का सफ़र रहेगा ना, तो समझ लो होटल का भाड़ा भी मेरा बच जाएगा और ठीक है उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी बहुत हाईएस्ट चार्ज है भाई, 1100-1200 यानी उसको डबल कर लो, 2200-2300-2400 रुपये बस का लगा है। ठीक है, तो ये बात है, 2300-2400 रुपये लगा है, तो दूर भी है और फिर बस की क्वालिटी भी देख लीजिए। आई थिंक देख लेते कौन सी कंपनी का है, आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये नंबर 69 पे है। ठीक है, अभी बैठते हैं, अभी ड्राइवर गया ही नहीं। तो ये है बस, ये है फ्रंट एरिया, यहाँ पे टीवी वगैरह है और मुझे लगता है यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी है। यहाँ पे ये टॉयलेट है जो अभी अंधेरा है। ओके, और ये लगेज डिपार्टमेंट है। यहाँ पे लगेज है, ये बस है और देख लीजिए एक नंबर। फुकेत बस स्टैंड, फुकेत बस स्टेशन देखते रहिए।
ब्लैंकेट और क्या क्या बताता हूँ, और एक पानी ला के देंगे, वाटर जूस एंड कैप, ठीक है। और ये देखो गणपति बप्पा का फोटो भी है यहाँ पे, कितनी अच्छी बात है ना। हाँ, ये अपने कल्चर को बाहर भी फॉलो किया जा रहा है तो अच्छा लगता है ये सब। ठीक, तो ये बस है, ये मेरी टिकट है, टिकट बोल रहा हूँ, मेरा सीट है, एक ब्लैंकेट मिला है, ब्लैंकेट है, ये है, और लेग स्पेस बहुत अच्छा है यार, लेग स्पेस बहुत सही है, और बस भी एकदम लग्जरियस है। Hey guys, तो फाइनली उतर चुके हैं फुकेत बस स्टेशन पे, और आई थिंक मॉर्निंग के बज रहे हैं, कितना बज रहे होंगे, 8 बजे उतर चुके हैं। तो आई थिंक आप कभी भी 6 बजे की बस पकड़ते हैं और 8 बजे उतर जाते हैं ना, तो ये अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में उतर चुके हैं और सीधा अब हम जाएंगे अपने होटल में, और सोने के लिए कोई भी फुकेत उतर रहा है ना, तो वहाँ टाउन के लिए ये एक फेरी है, आई थिंक टाउन के लिए फेरी है, ठीक है, तो 10 baht कुछ है, तो इसमें हम लोग जा रहे हैं, तो ये गाड़ी सही सस्ती पड़ेगी आपको, और नहीं तो बाकी तो महंगी पड़ जाएगी। ओके, आई थिंक गाइस यहाँ पे है ना 15 baht लगा है, ठीक है, 15 baht टाउन के लिए फुकेत इज बेटर, सबसे बेस्ट डील है। तो अगर आप आते हैं फुकेत पे तो ऐसा टुक टुक टाइप का रहेगा ये वाला गाड़ी, ये सब खुले में, तो आप इसे ये जस्ट यहाँ पे लगा रहता है तो फट करके आप यहाँ पे आए, नहीं तो बाकी ऑप्शन तो महंगा ही पड़ जाएगा यहाँ पे, वो भी हो, और यहाँ से जैसे एरिया आप देख सकते हो साइड में क्या सीन है कैसा है, तो शायद इससे महंगा कॉस्ट पड़ जाए आपको, तो ये इज बेटर डील। अब मिलते हैं, पहुँचते हैं गाइस। तो वो हमें फुकेत ला के छोड़ दिया था, 15 baht लिया था, ठीक है, और फिर अब यहाँ से काटा रोड जा रहा हूँ, काटा रोड यहाँ से 15 किलोमीटर है, 40 baht बोला है, तो टैक्सी वैक्सी वाले तो समझ लो रेंजेस हाई रहता है, 15 किलोमीटर है, तो आप ऐसी ही गाड़ियाँ मिल जाएगी यहाँ पे, ऐसी ये टाइप की ये सब जाती है, लेकिन बैक टू बैक नहीं भरी रहेगी तो जाएगी, नहीं तो थोड़ा रुक के जाती है, ठीक है। कब पहुँचते हॉस्टल में, कोई बुकिंग तो है नहीं, ठीक है, अभी नहाया वहाया हूँ नहीं तो ऐसा लग रहा है। हाय गाइस, आई थिंक मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं आई थिंक हॉस्टल से 500 मीटर की दूरी पे हूँ, सोचा थोड़ा कुछ एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे 25 में है मिला, सही है, और ये 100 है आई थिंक, मीठा है। हे गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ स्लम पार्टी हॉस्टल, आई थिंक ये है हॉस्टल, ये देखिए ये है हॉस्टल, और ये इसमें मैं रहने वाला हूँ, ठीक है, और यार बहुत सही प्राइस में मिला है, 175, मतलब आई थिंक पताया से भी सस्ता है। ये है कुछ ये मिला है मुझे हॉस्टल, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, फुल पार्टी पूरे फॉरनर ही हैं ज़्यादा करके, और इसका रेटिंग गूगल पे आई थिंक booking.com पे रेटिंग इस बहुत ही बढ़िया बता रही थी, ठीक है। ओके, तो गाइस हम आए हैं यहाँ पे खाना खाने, एक ये म्यांमार का होटल है लेकिन इंडियन ही डिश लगते हैं क्योंकि इंडियन के नाम से ही चलता ही है, और ये है भाई नेदरलैंड से, तो मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि बैकग्राउंड में सॉन्ग है तो कॉपीराइट लगने का प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये है 24 साल का, मास्टर डिग्री इसने किया, और गाइस इसको बिरयानी बहुत पसंद है, और रियली बोलूँ तो अपने इंडियन डिश हर फॉरनर को आई थिंक 80% फॉरनर को पसंद है भाई, अपना इंडियन डिश की बात ही अलग है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और इसी वीडियो को फिनिश करते हैं, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।